पता नहीं चलता कोई लगा रखा है। लास्ट डे था कल क्लास का, सब लोगों से मिले, काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। आपको कंडीशनिंग भी दिखाऊंगा। ऑफिशियली हम 6 वीक्स आउट है। माई डॉग्स, माई ब्रदर। तो अभी मैं पूरा टाइम अपना कंपटीशन के लिए देने वाला हूँ, क्योंकि मैं बीच में कई बार जब सोचने लगता हूँ ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। भाई ने नई गाड़ी ले ली है, नई नई गाड़ी में लेने के लिए आया। देखो भाई, बनिया तक नहीं उतरी है। बता दो तेरे सक्सेस लोगों को। गाइस, मानस की सक्सेस स्टोरी सुननी हो तो बता देना, इसके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा। मानस केवल 3 दिन की कमाई है ये गाड़ी। 3 दिन की कमाई नहीं भाई, 2.5 दिन में हो जाती है। जीएसटी फाइल करने वालों के लिए कोयला बेचता हूँ। तभी ये थोड़ी सी ब्लैक गाड़ी ली है, पता नहीं चलता कोयला कहाँ रखा है। नहीं, और हमेशा गाड़ी या कोई भी चीज ना वैसी लेनी चाहिए ना जो तुम्हारे प्रोफेशन को दर्शाए। सही बात है, इसलिए मैंने बलिनो ली, क्योंकि मैं स्लीक हूँ और मेरा प्रोफेशन बहुत काला है। चाहिए क्या स्लिप तेरे को? अच्छा, बिजनेस में लगाएगा अभी वो। एक्सपेंसेस स्लिप ले लो। 18% कितना हो गया? जीएसटी नंबर डाल देना भैया इसमें, मानस का। गाइस, और एक खुशखबरी सुनानी थी कि मानस के पापा का प्रमोशन हो गया। वो कलेक्टर से एडिशनल कमिश्नर है कि मिनिस्टर? कलेक्टर वलेक्टर कभी नहीं थे भाई, गलत है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा भाई, ये मत डालना भाई। अभी तेरी गाड़ी पकड़ी तूने, कैसे गाली बक के उसको बोला बाप कौन है मेरा, फिर गाली आज छोड़ दी उसने। नहीं भाई, मैंने बोला देख रहे हो कौन बैठा साइड वाली सीट पे? कलेक्टर के लौटने का दोस्त है। मैं तो नहीं जानता, मैंने कहा ये है अपना भाई, कलेक्टर के लौटने का दोस्त है। हाय गाइस, क्या हाल है सभी लोगों के। कल क्या हुआ, क्लास ख़त्म हो गई, मतलब लास्ट डे था कल क्लास का। सब लोगों से मिले, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। फिर उसके बाद में सबको बाय बाय करने के बाद में हम घर पर आ गए वर्कआउट करके। मेरे को रात हो गई थी कल, तो रात में जब मैं हुआ ना, तो मेरा मन कर रहा था कि घर चला जाता हूँ वापस से, यार क्लास भी खत्म हो गई। तो फिर मैंने रात में फ़्लाइट कर ली और सुबह सुबह आज घर पर आ गया। ऑल्सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट एवरीवन। पुराने वाले जिम की बात ही अलग कुछ और होती है, अपने एडी में जाके सब लोगों से मिलना। बट मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, आदेवी और बाकी सारे लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, तो उनका वर्कआउट तो स्टार्ट हो गया। बट अपन जाके आज चेस्ट एंड शोल्डर करेंगे और आपको कंडीशनिंग भी दिखाऊंगा। ऑफिशियली हम 6 वीक्स आउट हैं, और 6 वीक्स आउट में फिजिक कैसी दिख रही है वो आप बताना, क्योंकि 4-5 दिन से व्लॉग नहीं किया मैंने। और जो श्रेड होता है ना, उसमें हर एवरीडे चेंजेस दिखते हैं मुझे। तो अभी आप कंडीशनिंग देखना जिम में जाके, फिर बताना कि कैसी लग रही है भाई की बॉडी आपको। आप रेडी है जिम के लिए? ये वाली टी शर्ट मेरे को दे दे, लेकिन मैं ये पहनूंगा, तू ये वाली पहन ले। ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रीन शूज़ से मैच करेगी ना ये, मेरे ब्लैक शूज़। कितनी भसड़ फैला रखी भाई रूम में तूने। ठीक है भाई, साफ कर दूंगा। यार इसने भी फैलाई होगी कुछ, इसको साफ कर ले, कल के दिन साफ चाहिए। ठीक है, उसी ने करा है, बगीरा नहीं करा है। और तूने किया ये गंदगी, तूने करी है ना ये गंदगी, हैं तूने करी है कि तूने करी शैडो? तुम में से किसने की है गंदगी? किसने? क्या तूने की है वो गंदगी? किसने करी है? झूठ बोल रहा। और जो पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के लिए मैं पैक कर रहा हूँ बायोजन परफॉर्मेंस PR। इसकी हर एक सर्विंग के अंदर आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और उसके साथ में 50 mg एस्ट्रोजन मिलता है। प्रोटीन ऑब्वियसली आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपके ATPs बढ़ाता है, और उसी के साथ में एस्ट्रोजन आपके जो गट हेल्थ होती है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो मेरे सारे स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे पूरे सप्लीमेंट स्टैक का वीडियो भी आपके पास में जल्दी आने वाला है। वो तो मैं एकदम से यहाँ पर आ गया, इसलिए वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, बट जल्दी आई विल अपलोड। बाकी मसल प्लेस से आप जब भी कुछ भी शॉपिंग करें, हमेशा अपने भाई का कोड आनंद30 का यूज़ करके बहुत अच्छे डिस्काउंट पा सकते हैं। लेट्स गो, वी आर गोइंग टू किल आवर चेस्ट एंड शोल्डर सेशन टुडे। आई एम जस्ट बैक टू माई होम एंड आई एम सुपर हैप्पी एट माई होम आफ्टर मीटिंग माई पेरेंट्स। dogs, my brother. And I have chest and shoulder session today with my old squad. Are you guys excited? Because I am super excited to meet my old friends. If you are new on this channel, please subscribe, like, share, please. ऑल्सो गाइस, कल लेना क्लास का लास्ट डे था, लेवल 1 था, ऐसे लेवल्स होते हैं इन क्लास के, जो मेरी क्लास थी तो उसका कल लास्ट डे था यार। मैं सब लोगों से मिला, सारे दोस्तों से जो भी नए फ्रेंड्स बनाए वहाँ पर, और सर मैम सब लोगों को बाय बाय करके आया। एंड ऑब्वियसली मैं दोबारा मिलूँगा उनसे, बट आफ्टर कंपटीशन, क्योंकि वो ख़त्म हो गया ना वो वाला क्लास, और कंपटीशन के बाद ही मैं लेवल 2 के लिए साइन करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। बट समहाउ हमने अच्छे तरीके से मैनेज तो कर लिया पूरा रूटीन, बट कहीं ना कहीं वो काफ़ी अफेक्ट कर रहा था रूटीन को। तो अभी मैं पूरा टाइम अपना कंपटीशन के लिए देने वाला हूँ, सारा चीज़ें कंपटीशन को देने वाला हूँ, क्योंकि जितना भी टाइम बचा, अभी 6 वीक्स आउट हूँ, और पूरा ये टाइम सीधे अपने स्टेज के लिए, अपनी फिजिक के लिए पूरा अपने आप को निचोड़ देना है इसमें। तो भाई अपनी वापस पुरानी वाली जिम आ चुके हैं। दिन में मैंने कार्डियो कर लिया था अपने तलवलकर्स वाले में, इस वाले जिम की तो वाइब ही अलग है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। गुड इवनिंग गाइस, आई होप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। Amplify your favorite tracks by listening on connected speakers, game consoles, smart TVs, and other smart devices. Patki de patki. Make music part of your everyday. Video tabara halka ho gaya ab to. To learn about more features. Badhiya bhai, badhiya, badhiya. Hain? Zor lag raha hai. Ab to kachme aa rahe hain. Oil ko. Karo to. Rehta. मेरे हाथ इतने लंबे हैं भैया भैया। आपकी चौड़ाई को नजर लग जाएगी अब। हमारे साथ में वर्कआउट करने का केवल एक रूल है, लॉयल्टी। लॉयल्टी, इससे लॉयल्टी दे तू। देखो मालूम तो सर मेरे ये ले। अब आएगा मजा। अब वर्कआउट नहीं कर रहे आज। क्या फ्लेवर है ये? कोला नया है क्या? Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make every thing just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. शैडो, घूमने चलेगा? अरे गुस्सा हो गया, कोई तेरी वजह से गुस्सा हो गया वो। नो वगैरह नो। गाइस डन विद माय वर्कआउट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं ऑब्वियसली लेट था, इस वजह से सबके साथ वर्कआउट नहीं कर पाया अच्छे से, बट फन था। और मुझे फिजिक काफ़ी अच्छी दिख रही थी। मुझे तो लगता है मुंबई से ज़्यादा अच्छी लाइटिंग इधर मेरे जिम की है। इसमें फिजिक अच्छी दिख रही थी, या ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म भी कर लिया तो वो चेंजेस दिख रहे थे। आई एम ग्लैड कि मेरी जब तक क्लास चली और इतना स्ट्रिक्ट रूटीन के बाद में भी मैंने अपनी फिजिक पर कुछ भी अफेक्ट नहीं होने दिया, मेरे रूटीन पर अफेक्ट नहीं होने दिया। स्लीप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई थी बट समहाउ वी मैनेज्ड। मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया सा कोट पढ़ा आज। मैंने बहुत पहले डाला था इंस्टाग्राम पे, बट आज दोबारा पढ़ा तो दोबारा ऐसे रियलाइजेशन सा हो गया और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि उस एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है हिंदी में, वो ये था कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए इतना ज़्यादा भड़बड़ाना मत कि आप जर्नी को एंजॉय करना भूल जाओ। और ये इस चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं बीच में कई बार जब सोचने लगता हूँ ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, उस चक्कर में ना जो अभी चल रही होती है लाइफ उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आता है, जब आप अपने ना स्ट्रगल्स को भी एंजॉय करने लगते हो। आपको कोई चीज़ पानी है वो नहीं मिल रही है ना, तो उसके लिए मेहनत करने का मज़ा कुछ और होता है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हो फर्स्ट टाइम, जो एक्साइटमेंट घर से निकलने पर और उससे मिलने तक होती है। या आप किसी जॉब में फर्स्ट डे जा रहे हो, बहुत टाइम से सेलेक्ट होना चाह रहे थे आप और नहीं हो पा रहे थे, तो जो फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट रहेगी ना, वो घर से निकलने की और ऑफिस पहुँचने की, फर्स्ट टाइम काम करने की, आपको पता है कि अब मैं कमाऊँगा, वो जब यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के तो वो भी ख़त्म होने लगती है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि जो ये एक्साइटमेंट है ना आपको कोई चीज़ पाने की और आप उसको नहीं पा पा रहे हो, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग टू गो देयर, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग होती है जिसको हम कई बार नेगेटिव मान लेते हैं। इट्स नॉट नेगेटिव, आपको उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए। बहुत सुंदर होता है वो चीज़ भी कि आप कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है यार कि अंदर का आपका जज्बात बाहर निकलते हैं, आपका जज्बा बाहर निकलता है, आपकी जो लिमिट्स हैं ना वो बाहर निकलती हैं उसके ज़रिए। एंड कई बार हम लोग पता क्या करते हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर की वजह से इतना मूड ख़राब करके रखते हैं ना अपना, कि पास्ट की वजह से तो मूड ख़राब ही हो ही रहा था कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ, ये करना चाहता था वो नहीं कर पाया, एंड फ्यूचर में ये करना है वो करना है। उस वजह से अभी आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, अभी जो रूटीन है, अभी जो आपके अचीवमेंट्स हैं ना, उनको एंजॉय नहीं करते हैं। और मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ, मेरे साथ में भी बहुत बार होता है। मैं कुछ ऐसे देवता नहीं हूँ जो मेरे को सब कुछ चीज़ें पता है, और मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कई बार अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाता हूँ, अपने प्रेजेंट डेज को एंजॉय करना भूल जाता हूँ, कई बार अपने आप पर बहुत ज़्यादा हार्श होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाता हूँ। तो जब मेरे को रियलाइज़ होता है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को रियलाइज़ कर पाऊँ। एंड मज़े करो यार, पता नहीं है ज़िंदगी कब तक की है, कब तक है, क्या नहीं है, क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता होता। अभी है ना जो ये मोमेंट है ये ब्यूटीफुल है। अभी मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। अभी मेरे पास शैडो आ गया, ये ब्यूटीफुल है। एंड ये मोमेंट्स है जिनके लिए हम जीते हैं, है ना। घर पे पीसफुली बैठा हूँ, ये हैप्पीनेस है। सो करेंट मोमेंट में जो आपके पास में आपकी अचीवमेंट है ना, उसको रियलाइज़ करो। एंड अभी उठ के, अभी व्लॉग देखा ना, अभी उठकर देखो अपने आसपास यार, और आपकी कितनी अचीवमेंट है, आप कितने खुश हो लाइफ में, देन आप लोग रियलाइज़ करोगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। लव यू ऑल, पीस।